जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बैलेंस शीट एक ऐसा भारी भरकम वर्ड है जिसे मैच करने में, बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और कई बार ये मैच ही नहीं होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाएंगे कि आप अपनी बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं। बैलेंस शीट नॉर्मली एक शीट होती है जो दोनों तरफ से बैलेंस होती है, मतलब कितने रुपये आपने पूंजी आज तक अपनी बना ली है और कितने रुपये की जो पूंजी है वो आपकी कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपकी बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे कि आप बैलेंस शीट को कैसे कैसे बना सकते हैं। वैसे तो आपको टैक्स प्रोफेशनल्स की, अकाउंटेंट की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप इतने कैपेबल होने चाहिए दोस्तों कि आप अपनी बैलेंस शीट को खुद बना सकें, खुद पढ़ सकें कि मैंने कितने रुपए किसको लेने हैं, किससे देने हैं। तो यही मोटिव के साथ में दोस्तों हमने ये वीडियो बनाई है। तो आशा करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट एंड इट्स रिलेटेड प्रोविजंस। तो दोस्तों, फॉर हुम इट इज़ रिक्वायर्ड, जो बैलेंस शीट है किसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रेडर्स होते हैं जो सेल करते हैं, परचेज करते हैं, माल को खरीदते हैं और बेचते हैं। उनके लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेड करते हैं उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति जो माल खरीद के नहीं बेचता है, सर्विस देता है, जिसके अंदर प्लम्बर, डॉक्टर, इंजीनियर, CA इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो आ जाते हैं। इसके अंदर LIC का एजेंट है दोस्तों, वो भी आ जाता है कि जो व्यक्ति सर्विस दे रहा है वो सब उनके लिए क्या बनेगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। इसके बाद में सैलरी एम्प्लॉयड, ऐसा व्यक्ति जो ना तो ट्रेडिंग करता है ना सर्विस प्रोवाइड करता है, वो एक सैलरी पर काम करता है, तनख्वाह पर काम करता है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। तो सैलरी एम्प्लॉयड के लिए दोस्तों हम डायरेक्ट ही कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद में हमारी सीधी ही बैलेंस शीट बन जाएगी। और क्या क्या आइटमें बनती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में लास्ट में बैलेंस शीट बनती है आपकी। तो बैलेंस शीट है दोस्तों वो जो एक इंडिविजुअल के तौर पर आपको ITR जो 3 भरता है, जो व्यक्ति सिर्फ उसी को ही इनकम टैक्स में मांगी जाती है कि आप अपनी बैलेंस शीट भरिए ITR के लिए। ये 5 ट्रस्ट वगैरह के लिए होती है, 6 कंपनी के लिए, 7 भी ट्रस्ट के लिए होती है। तो दोस्तों ITR 3 के टाइम में आपको ये ITR जो बैलेंस शीट है वो रिक्वायर होगी, और अदरवाइज आपसे सभी केस में आपको अपनी ITR बनानी चाहिए, चाहे आपके लिए रिक्वायर हो या ना हो। तो जैसा मैंने दोस्तों शुरू में आपको बताया था, 3 व्यक्ति अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं, एक तो होता है ट्रेडर, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होते हैं सैलरी एम्प्लॉयड। तो इन तीनों को क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ही फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद में बैलेंस शीट बनती है दोस्तों। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम, ऐसा कोई व्यक्ति जो ट्रेड कर रहा है, माल खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी फर्म का नाम यहाँ पर लिखेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये फर्म आपकी GST के अंदर रजिस्टर्ड हो और आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा हो। आप बिना किसी GST नंबर के भी 40 लाख रुपए तक का माल बेच सकते हैं, राजस्थान स्टेट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आप किसी भी नाम, अपना फर्म का नाम रख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपकी लोकेशन या जहाँ पर आपका ये बिजनेस चल रहा है, आप कहाँ रहते हैं, वो गंगानगर मैंने लिख दिया है। इसके बाद में प्रोपराइटर का आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों। GST रजिस्ट्रेशन ना लेकर एक आपको MSME का सर्टिफिकेट होता है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज, तो इसका भी अगर हमने, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्दी ही डालने वाले हैं कि आप GST नंबर नहीं लेना है तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी फर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ गुड्स अकाउंट, क्योंकि माल आप बेच रहे हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मान लिया, हमने एग्जाम्पल लिया है, एक व्यक्ति 2 तरह के गुड्स बेचता है, गुड्स 1 और गुड्स 2। गुड्स 1 के अंदर दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट लिखा है। इसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा दोस्तों, एक 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 पीरियड का बनता है, 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उस पूरे साल का बनता है ये। तो ये ओपनिंग स्टॉक दोस्तों 1/4/2020 को जब आपका साल स्टार्ट हुआ था, जब आपके पास 10 क्विंटल किसी चीज़ की आइटम पड़ी थी और वो 5,50,000 रुपये की थी। इसके बाद में दोस्तों आपने 10 क्विंटल और खरीद लिया पूरे साल के अंदर और इतने रुपये का, इसके बाद में आपने 9 क्विंटल उसको बेच दिया इस रेट के हिसाब से, और उसके बाद में दोस्तों इतना क्विंटल आपके पास आइटम 31 मार्च 2021 को रह गया है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। इन सब को प्लस माइनस करने के बाद इतने रुपए का प्रॉफिट दोस्तों आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट से आ गया है। ऐसे ही हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट 2 बनाया है, मतलब एक आइटम और है उसको आप ये खरीदते बेचते हैं, और ऐसे करके एक 2 से ज़्यादा आइटम है तो आप और भी आइटम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इसको कॉपी करके या नीचे पेस्ट कर लेंगे तो जितने भी आइटम हैं उनको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकेला नहीं बनता है ट्रेडर के मामले में,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा आपका। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने पिछले दो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे उन दोनों का यहाँ पर आपको दोस्तों समरी मिल जाएगी, कंसोलिडेशन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इकट्ठे बनाए जाएंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट 10 और 17, मतलब दोनों का ये जोड़ आ गया यहाँ पे कि सारा माल ओपनिंग में कितना पड़ा था, पूरे साल में हमने इतना खरीद लिया, पूरे साल में इतना बेच दिया, पूरे साल में इतना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया, और इसके बाद में इतना जो प्रॉफिट हुआ है माल बेचने से उसको दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है, इसमें से आप अपने खर्चे और घटा सकते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों। और इसके बाद में यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका स्टार्ट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो प्रॉफिट बना था वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं या तो सर्विस प्रोवाइडर है जो जो सिर्फ सर्विस ही दे रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, या जो ट्रेडिंग दे रहे हैं और सर्विस भी कुछ ना कुछ देते हैं, तो उनको जो भी कमीशन या इनकम आएगी वो, जैसे आप LIC के एजेंट हो तो आपकी जो इनकम है वो कमीशन की यहाँ पे आ जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ओनली P&L भी दे दिया है। जो व्यक्ति ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहता है, तो वो यहाँ से अपना ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकता है। इस ट्रेडिंग अकाउंट को आप अपना यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में कोई कमीशन मिला है आपको LIC से, किसी बीमा एजेंट का एजेंसी से, या किसी भी तरह का कोई कमीशन मिलता है तो आप यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि आपकी सर्विस है। इसके बाद में किसी से आपको ब्याज मिला है, आपने उधार पैसे दिए हुए थे, तो वो किसी से डेटर से किसी से पैसे माल के लेने हैं वो दे रहा है, तो आपको इसमें भी आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में जॉब वर्क इनकम के अंदर दोस्तों ऐसी इनकम आती है जो कहीं पे फॉल नहीं करती है। सपोज करो किसी का आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, ऐसा कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हो जिसमें कुछ खर्चे भी होते हैं, तो आप जॉब वर्क इनकम यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा भी कोई इनकम आपकी ऐसी आती है रिसिप्ट, सपोज करो आप डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी इसी तरह की रिसिप्ट आती है, फीस आती है, तो यहाँ पर आप फीस रिसिप्ट लिख करके आप वहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इन सभी इनकम को, इस इनकम को कमाने के लिए आपने जो भी खर्चे किए हैं वो आपको इस खर्चे साइड में यहाँ पे डालने पड़ेंगे। जैसे आपने एक बंदा रखा था, उसकी सैलरी दी है, आपके बैंक के चार्जेस हैं वो आपकी अपनी बैंक की स्टेटमेंट से या पासबुक से आप देख सकते हैं इतना खर्चा लगा। आपके पास कार बाइक है जो आप सर्विस को देने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें तेल पानी डलवाया आपने सर्विस की। डेप्रिसिएशन दोस्तों, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो क्या है दोस्तों, हर साल उसकी वैल्यू घटती जाती है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, उसमें मैं समझा दूंगा कि उस वैल्यू इतनी इसकी संपत्ति की वैल्यू घट गई है। क्योंकि जो आप एक चीज़ खरीदोगे 1 लाख रुपए की, कोई कार खरीदोगे, कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदोगे, एक साल बाद उसकी कीमत घट जाती है दोस्तों। जो घटी हुई अमाउंट होती है वो डेप्रिसिएशन होती है, वो खर्चे में क्लेम हो जाती है। इसके बाद में आपने किसी को बीमा करवाया है, बैंक से कोई लोन चल रहा है आपका, होम लोन है या ऐसा कोई लोन है, बिजनेस का लोन है, CC है, कार लोन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड टू पार्टीज, किसी को पैसे देने थे आपने, किसी से लोन ले रखा है पर्सनली, तो वो पैसा आपका यहाँ आ जाएगा। गोडाउन ले रखा है आपने, कैश डिस्काउंट, शॉप एक्सपेंसेस, मतलब जनरल एक्सपेंसेस है ये, ऐसा कोई खर्चा जो और आपके किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसा कोई खर्चा है दोस्तों जो आपको लगता है कि यहाँ पे कवर नहीं हो पाया, तो आप यहाँ पे ऐसे ऐड करके यहाँ पे जितने भी खर्चे हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में इन सारी रिसिप्ट्स में से खर्चे घटाने के बाद जो भी पैसा बचेगा दोस्तों ये आपका नेट प्रॉफिट होता है। मतलब इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। और जो आपका ये नेट प्रॉफिट है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों लाइबिलिटी शेड्यूल के अंदर। जैसे मान लो फर्म का नाम आ गया है, कैपिटल के अंदर जो मालिक है, सपोज करो आप प्रोपराइटर हो फर्म के या आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपको ही यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर में आ जाएगा, जो प्रोपराइटर में आ जाएगा। इसके बाद में एक बात और, अगर आप ट्रेडर भी नहीं हैं और आप सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं हैं, तो दोस्तों ये टैब ट्रेडिंग अकाउंट वाली और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली दोनों आप हाइड कर सकते हैं और सीधा ही आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। फिर आपको P&L भी बनाने की जरूरत नहीं है और आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे आएगा जो भी पैसा आपके पास आया है और इधर जो भी पैसा आपके पास गया है। तो सबसे पहले हमारे पास इतनी कैपिटल हमारी पहले बनी हुई थी, हमारे इतने रुपए की हमारे को पूंजी पहले की हमारे पास थी। कई लोगों को ये ध्यान नहीं होगा कि हमारी पहले की पूंजी कितनी थी, तो इसको आप एक बार छोड़ सकते हैं, इसको हम राउंड फिगर के अंदर ले लेंगे। तो इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है इसके अंदर, वो आपको जितनी भी तरह की रिसिप्ट आ रही है आपको, उसको आप यहाँ पर सीरियल वाइज वन बाई वन डाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस सब्सिडी की। जैसे कि अब बहुत कम मात्रा में गैस सब्सिडी आने लगी है, 9-9 रुपए की आती है गैस सब्सिडी, तो अगर जितने भी रुपए की आ रही है वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, उसको आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग दोस्तों, सेविंग अकाउंट का जो आपका इंटरेस्ट होता है, सेविंग
एक खाता हो या आपके 5 खाते हो, उनमें से जो भी इंटरेस्ट आया है आपको वो आप सारा जोड़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं और उसकी आपको 10,000 रुपये की छूट भी मिल जाती है सेक्शन 80 TTA के अंदर, और जो सीनियर सिटीजन है उसको TTB के अंदर 50,000 रुपये की छूट मिलती है। इसके बाद में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जैसे आपका यहाँ पे प्रॉफिट आया था दोस्तों खर्चे वर्चे घटाने के बाद, तो वो भी आपकी यहाँ पे कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, मतलब इतने रुपए का आपने कमाई और कर ली है। अगर आप ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, अगर आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम आ रही है, तो आप ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर को यहाँ से हटा सकते हैं, ये वाला अमाउंट आपका नहीं आएगा। इसके बाद में दोस्तों आपने कोई FD करवा रखी है बैंक से, तो उस FD के ऊपर जो भी ब्याज आएगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसको डाल देना है। FD की आपका ब्याज है दोस्तों, या तो आपको फॉर्म 26S जो होगा आपका, वो आपको इनकम टैक्स की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आ जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं आता है तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं बैंक से, उसमें पता लग जाएगा कि आपको इतने रुपये का ब्याज दिया है, वो यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसके बाद में सैलरी इनकम, मतलब आप सैलरी में काम कर रहे हैं, आपको कहीं से इनकम आ रही है, तो सैलरी जितनी इनकम आपको ग्रोस आ रही है दोस्तों, ग्रोस का मतलब आपको कटने से पहले जितनी इनकम आ रही है वो यहाँ पे लेनी है आपको। मान लो 20,000 रुपये महीने की आपको सैलरी मिलती है, तो 240,000 रुपये मैंने यहाँ पे ले ली है, उसके अंदर आपका PF वगैरह या कुछ कटता है वो हम हाँ खर्चे में यहाँ पे काउंट कर लेंगे। इसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी आती है, आपके पास खेती है, उसके खेती को आपकी फसल बेचते हैं या उसको खेती को आपकी ज़मीन को ठेके पर दे देते हैं, आगे लीज पे दे देते हैं, तो उसकी जो भी इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे आपको डाल देंगे। मतलब ये सारे मिलाकर के आपकी इतने रुपए की पूंजी हो गई। अब इस पूंजी में से आपने कुछ खर्चे भी किए होते हैं दोस्तों साल के बीच में, सबसे पहले तो ड्रॉइंग्स होता है दोस्तों, घर खर्च। घर खर्च का मतलब आप डेली अपने रूटीन के खर्चे जो होते हैं, घर पे राशन पानी लेके आना है, छोटे छोटे काम, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, बच्चों को जो भी खर्चे आप करवाते हैं, तो वो आपका ड्राइंग्स के अंदर आ जाता है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, 10,000 रुपये महीने का आपका घर का खर्चा हो जाता है, तो 1,20,000 रुपये आपने यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद में LIC अगर करवा रखी है आपने, अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, अपनी स्पाउस की, अपनी वाइफ की, वाइफ ने अपने हस्बैंड की, तो वो यहाँ पे 80C के अंदर धारा में आपको छूट भी मिल जाएगी, प्लस में आपको यहाँ पे खर्चा भी डालना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि, आपने बेटी का खाता खोल रखा है पोस्ट ऑफिस वगैरह में, आपने कोई मेडिकल का खर्चा किया है, किसी ट्रस्ट को कोई डोनेशन दी है आपने जिसके अंदर इनकम टैक्स में छूट मिलती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या छोटे छोटे ये 200-330 रुपये और 12 रुपये का जो खर्चा होता है वो किसी ट्रस्ट को दिए, LIC लाइफ पॉलिसी को ली हुई आपने, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वैसे तो आपका खर्चा है दोस्तों, लेकिन वो इनकम टैक्स में छूट अगर वो मिलेगी, अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, ELS है, तो उसकी छूट भी मिल जाएगी, प्लस में आपको वहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर आपका ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों की फीस, जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उसकी भी छूट आपको इनकम टैक्स में मिल जाती है। इसके अलावा कोई टैक्स आपको लगता है दोस्तों कि हमारा ज़्यादा बनता है 10,000 रुपये से, तो आपको एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है, कोई एडवांस में टैक्स भरा है तो उसकी भी यहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ सकती है। ये सारी खर्चे, मतलब जितने भी आपने साल में किए हैं पर्सनल नेचर के, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में इतनी पूंजी आपकी दोस्तों पहले से थी, इतने रुपए की आपने इस बार और कमा लिए, इतने रुपए का खर्चा कर लिया, तो कुल मिलाकर के आपकी इतनी पूंजी रह गई है वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं हम दोस्तों, बैलेंस शीट में फर्म का नाम आ गया, लोकेशन आ गई, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, ये जो दो चीज़ें बताई थी मैंने आपको दोस्तों, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये सारे पूरे साल के अंदर जो लेन देन हुआ है उसको दिखाते हैं, जबकि बैलेंस शीट एक साल के एक निश्चित पीरियड के अंदर एक निश्चित डेट को 31 मार्च 2021 को आपके पास क्या कुछ है उसकी ये जो है दोस्तों आपकी जो स्टेटस है वो शो करती है। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तरफ है लाइबिलिटी, एक तरफ है एसेट। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व, कितने रुपए आपने किसी को देने हैं, और एसेट का मतलब इतने रुपए आपने किसी से लेने हैं या इतनी आपकी प्रॉपर्टी बनी हुई है। लाइबिलिटी के अंदर दोस्तों फर्म अलग है और फर्म का मालिक अलग है, तो हम ये बैलेंस शीट फर्म की बनाते हैं, तो फर्म का जो मालिक है उसकी जो कैपिटल है, जितने रुपये उसने कमा लिए हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकाला था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब इतने रुपए की तो इसकी पूंजी है, मतलब इसने खुद का सामान, इसने प्रॉपर्टी बना रखी है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कितने रुपए देने हैं यहाँ पे लोन फंड के अंदर, मतलब लोन हमने लोगों से ले रखे हैं। लोन के अंदर फिर मैं बता दूं दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब ऐसा कोई लोन जो आपने ऐसी संस्था से लिया हुआ है जो आपको वापस देना ही पड़ेगा, आपने उसकी सिक्योरिटी दे रखी है, गारंटी दे रखी है, वो नॉर्मली बैंकों के लोन होते हैं वो सिक्योर्ड लोन के अंदर आते हैं। जैसे मैंने CC अकाउंट दिया, इसके अंदर आप KCC भी ले सकते हैं, अगर आपका एग्रीकल्चरिस्ट है तो KCC आ जाएगा। इसके बाद में कार लोन, किसी तरह का कोई यहाँ पर तो लोन का नाम आ जाएगा और कौन से बैंक से है, कौन सी लोकेशन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। कार लोन है, होम लोन है, किसी भी तरह का कोई लोन है दोस्तों, तो वो आपका लोन प्लस में आपकी जो है लोकेशन बैंक की, वो यहाँ पे शो हो जाएगी, मतलब तीन बैंकों से कितने तरह पे लेने हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन, मतलब ये लोन तो ये भी ले रखे हमने लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं है, इसकी किसी तरह से सिक्योरिटी नहीं दी हुई है हमने, और
इसको दें तो भी ठीक है, ना दें तो भी चल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं, हम 3 जनों से हमने ले रखे हैं, ज़्यादा होंगे तो आप यहाँ पे प्लस ऐड कर सकते हैं, कम होंगे तो वहाँ पे एक भी डाल सकते हैं, ना भी होंगे तो आपको इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ये हो गया सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन इसके बाद में दोस्तों करंट लाइबिलिटी के अंदर सन्डरी क्रेडिटर्स, मतलब किसी से आपने माल खरीदा था या किसी से कोई खर्चा आपने कोई काम करवाया था उसको पैसा देना है, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में कोई एक्सपेंसेस पेबल है, किसी को सैलरी देनी बकाया रह गई है 31 मार्च को, या कोई और किसी की फीस देनी है कोई CA की एडवोकेट की, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में ड्यूटी एंड टैक्सेस, अगर आपके पास GST एप्लीकेबल होता है, TDS एप्लीकेबल होता है, आपने किसी का TDS काट लिया है या GST भरनी है, तो 31 मार्च वाली TDS की जो GST की अमाउंट है वो आप अप्रैल में भरेंगे दोस्तों, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि हमने ये पेमेंट करनी है। तो ये लाइबिलिटी साइड हो गई है दोस्तों आपकी, कि कितने कितने रुपये आपने किसी को देने हैं। और इधर आ जाएगा एसेट साइड में, जैसे मान लो दोस्तों कि कितने रुपये आपने किसी से लेने हैं या आपके पास क्या प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो एसेट के अंदर सबसे पहले फिक्स एसेट, मतलब स्थाई संपत्तियाँ, प्रॉपर्टियाँ जो आपने आपने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है। तो यहाँ पे एसेट का मैंने अलग से शेड्यूल बना दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि शेड्यूल डी, शेड्यूल डी के अंदर यहाँ पे मैंने ये चार्ट बनाया है पूरा फिक्स एसेट के अंदर। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी आपके पास में है, कार कॉस्ट, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, शॉप, बिल्डिंग। इसके अंदर दोस्तों ओपनिंग WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, इतनी वैल्यू आपके पास 1/4/2020 जब साल स्टार्ट हुआ था, जब इतने रुपये की प्रॉपर्टी थी। इसके बाद में एडिशन, मतलब आपने कोई सामान और ख़रीद लिया, तो जैसे मान लो यहाँ पे मोटरसाइकिल पहले नहीं था और 30 दिनों से पहले भी नहीं था और 30 दिनों के बाद आपने खरीद लिया। 30 दिनों के बाद खरीदने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो डेप्रिसिएशन है वो आधा मिलता है, और 30 दिनों से पहले खरीद लोगे तो पूरे साल का मिल जाता है। और अलग अलग चीज़ के ऊपर अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, जैसे कार के ऊपर 15%, कंप्यूटर पर 40, मोटरसाइकिल पर 15 होता है, इसका आधा मिल जाएगा आपको। बिल्डिंग के ऊपर 10% होता है। लैंड होती है दोस्तों, जो ज़मीन खाली है उसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। यहाँ पर भी आपके आपको प्लस माइनस करना पड़ा, तो आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे प्लस करके आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। और इसका जो ये लास्ट वाला जो क्लोजिंग बैलेंस होगा दोस्तों 31 मार्च को खर्चे घटाने के बाद, डेप्रिसिएशन लेने के बाद, वो आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस शीट में आ गया है। इसके बाद में करंट असेस्ट, ये तो थी फिक्स असेस्ट जो लंबे टाइम तक चलेगी। ये करंट असेस्ट है जो आई गई आई चलाई चलती रहती है। इसमें इसके अंदर सबसे पहले स्टॉक आ गया, स्टॉक अब है, अगले दिन नहीं है, बिक जाता है। 31 मार्च को जो हमारे पास स्टॉक रह गया था वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो इसका यहाँ से आप ले सकते हैं इसका टोटल, अदरवाइज आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। और इसके बाद में सन्डरी डेब्टर्स, डेटर्स मतलब जिनसे आपने उधारे पैसे लेने हैं, जिनको आपने काम किया है, जिनको आपने सर्विस दी है, जिनको आपने माल बेचा है, उसको वैसे तो एक दो नाम है तो आप यहीं पर लिख सकते हैं 1, 2, अदरवाइज मैंने शेड्यूल एफ बना दिया है यहाँ पर, तो शेड्यूल ये अलग अलग बनाए हैं। किसी में ज़्यादा नाम है तो आप ये शेड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ बाहर बैलेंस शीट में सीधा ही डाल सकते हैं। सन्डरी डेटर के अंदर दोस्तों 1, 2, 3 नाम डाले हैं, ये मैंने अमाउंट डाली है, मतलब 10,80,700 रुपये हमने लोगों से लेने हैं, तो ये यहाँ पे आ गए। इसके बाद में कैश एंड बैंक बैलेंसेज, आपके पास कैश इन हैंड मतलब 31 मार्च को कितना रुपए का कैश पड़ा था, ये भी वैसे तो थोड़ा सा डाउटेबल ही रहता है कि हमारे पास एग्जैक्ट नहीं बता पाते हम, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च के बाद बनाते हैं हम, महीने बाद, 2 महीने बाद, और लेकिन 31 मार्च को क्या बैलेंस था कैश का, ये हमें थोड़ा सा कई बार आइडिया से भी लेना पड़ सकता है। इसके बाद में बैंकों के अंदर दोस्तों सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है, स्टेट बैंक, HDFC, वहाँ पर नाम लिख लिख के आपको यहाँ पे बैलेंस 31 मार्च को जो बैंक का बैलेंस था वो डालना है, तो कैश और बैंक का जोड़ के यहाँ पर आपका पेमेंट आ जाएगी। इसके बाद में लोन एंड एडवांसेस के अंदर, मान लो कई बार क्या होता है दोस्तों, हमने लोगों को उधारे पैसे दे रखे हैं, ब्याज पे दे रखे हैं, और वो हमने उनसे लेने हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब कई बार सिक्योरिटियाँ देनी पड़ती हैं हमें कई चीज़ों की, इनका भी हमने शेड्यूल जी बना दिया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, शेड्यूल जी के अंदर देखिए लोन एडवांसेज के अंदर लोन, इन 4 व्यक्तियों को हमने लोन दे रखा है, इतने इतने रुपये का, इतने रुपये का हमने इनसे लेने हैं। और सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर दोस्तों, जैसे इनकम टैक्स में हमने टाइम एडवांस भर दिया, और बिजली की, किसी की पानी की सिक्योरिटी दे रखी है, कोई लाइसेंस की सिक्योरिटी, कोई TDS हमारा कट गया है, NSC वगैरह, जैसे मतलब किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी वगैरह है, वो आपकी यहाँ पर शेड्यूल में आ जाएगी। यहाँ पर 1-2 चीज़ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विदाउट शेड्यूल के, अदरवाइज़ आप इसको शेड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा आपने लगा रखा है, आपने किसी की तरह की FD का जो ब्याज आया था आपको, जो कितने रुपए की FD आपने करवा रखी है 1,00,000 रुपए की, वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। म्यूचुअल फंड के अंदर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा दोस्तों इन्वेस्ट हो रहा है, आप 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 24,000 रुपये आपने लगा दिए हैं, तो 24,000 रुपये आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में शेयरों में आपका होल्डिंग अगर कर रखी है आपने, शेयर मार्केट के अंदर आपने पैसा लगाया हुआ है, तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी होल्डिंग है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। और शेयर मार्केट की इनकम होती है आपको दोस्तों, या इसका कोई खर्चा होता है,
लॉस होता है तो भी आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर लेना पड़ेगा। यहाँ पे बाय इनकम कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे खर्चा आ जाएगा, मतलब वो भी आप तो पूंजी को कम कर रहा है जो आपका नुकसान होता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे आपका टोटल मैच कर जाएगा। नीचे प्लेस और डेट लिख सकते हैं, इतनी तारीख को मैंने बनाई है, यहाँ बनाई है, सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। और कई बार लोन लेने के लिए या किसी संस्थान में देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से सिग्नेचर भी वो मांग लेते हैं। तो ये बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपको बताया। ट्रेडिंग अकाउंट जो ट्रेड करते हैं, अगर आप ट्रेड नहीं करते तो इसको दोस्तों हाइड कर लेना यहाँ से। इसके बाद में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें क्या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप करते हैं प्लस में कोई सर्विस भी देते हैं तो ये बन जाएगा। अगर आप ये भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो इसको भी हाइड कर लीजिएगा। ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सहायता से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिएगा। अगर आप कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ आप सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर दोस्तों यहाँ पे जितनी भी इनकम कमाई है आपने, आपकी सैलरी वगैरह जो भी इनकम है और यहाँ जो भी खर्चे किए हैं वो घटा करके आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर आपकी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और बैलेंस शीट के अंदर जितने जितने रुपए आपने किसी को देने हैं वो, या लोन है आपकी दायित्व है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। और एसेट्स के अंदर जितने जितने रुपए आपने किसी से लेने हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, वो इस तरफ आ जाएंगे। लास्ट में आपका जो जोड़ है वो मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों बैलेंस शीट से रिलेटेड ईच एंड एवरी आइटम है, जो कंसेप्ट है, वो आपका क्लियर हो गया होगा कि किस व्यक्ति को कौन सी बैलेंस शीट बनानी है और वो कैसे कैसे बनती है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक प्रॉमिस किया था कि आपको भी इस बैलेंस शीट का, जिसको मैंने ट्यूटोरियल में समझाया है, उसका एक लिंक है, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर के उस एक्सेल के फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार, अपने काम के अनुसार आप उसको एडिट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। और ये वीडियो आपको लगता है कि दोस्तों में दूसरों में शेयर करने वाली है तो इसे शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता रहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।